फिर कोई रेल में अपना रास्ता देना पड़ेगा और आज इसके अंदर 20,000 लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा, ये बड़ी बुरी बात है। इस दादरी के अंदर डालमिया चरखी दादरी थी, आपको पता होगा भैया, ये डालमिया चरखी दादरी थी वो भी तोड़ी थी। मेरी उन मात्र शक्ति से है कि वो धरने का काम ना करे, हो गए ना तो यूँ मान लियो कि राजनीति भी उन्हें पिटाएगा और आपके बच्चे भी उन्हें पिटाएंगे। सारी ताकत के ऊपर हम टिके हुए हैं, एक भी जाती है तो ये मान लेना कि वो राजनीति के सर के ऊपर लट है या आपके किसी बच्चे के ऊपर लट है। आपकी ताकत के अंदर हम बैठे हैं तो कोई फटा जाने का काम ना करे, एक घंटा और मांगते हैं, एक घंटा और आपके हमारे साथ बैठ जा राजू। सरकार को ये नहीं पता कि दादरी की जनता कितनी संघर्षशील है। आज तो दादरी की जनता राम जी से की कड़ा तक फैली हुई है। मैंने दादरी की जनता सिर्फ जमन बैठ भाई सीमित थी, जब राजा महाराजा ने आए तो दादरी की जनता ने जाना गेट को बंद कर दिया था और ये ऐलान कर दिया था कि उधर बैठ महाराज या तो किसी छोड़ दे, जनता ये सिंहासन खाली है। राजू सरकार बैठ जा, बैठ जा, बैठ जाओ भाई, हमारे पार्षदों का, हमारे विनय जी का और सभी का हौसला समझाई रहेगा और प्रशासन की टीम धोकर भी खुल जाएगी। आपसे मेरा सभी से अनुरोध है कि आप इसी तरह आप बैठे रहे और हमारे अंदर पूरी तरह जोश बरते रहे। राम की जननी छोटे छोटे ब्रह्मचार्य चले गए थे आप लोगों के लिए, संगति के लिए बहुत छोटी छोटे, मेरे पिताजी को छोटी उम्र में चढ़ गए थे, 17 साल की उम्र में नौकरी छोड़ती थी और राजा जीत के खिलाफ भी वो बता दिया था। इतनी जनता उस टाइम कुछ भी नहीं था, कुछ भी सरकार दादरी की जनता इतनी संघर्षशील है कि अगर इकट्ठी होगी तो खट्टर सरकार और संकट राम नाथ को संकट देगी। याद रख लिए बाबा।
बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जाएंगे आपके पास आएंगे। आप मीडिया वाले चिंता मत करो, आपका आगे लेंगे, जो भी चीज लेंगे जनता के आगे लेंगे, निश्चिंत रहो। भाई साहब लोग पहले नहीं हो चुके हैं, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धोखेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धोखेबाजी नहीं चलेगी। आज तो बहुत बड़े कर रहे हैं डीआरएम लिख के थे आपकी मार मान ली गई है। डीआरएम के बिना नहीं मानेंगे। आ जाओ बैलेंस शीट में क्या कौन सा वह पुरानी की पुरानी है। लोग आकर सरकार
Okay.
ये ताकत आप लोगों की दी हुई ताकत, हम आपके ही भाई हैं, आपके ही बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे सुबह से आए हुए, मंत्र शक्ति भी सुबह से आई हुई है, भूखी प्यासी है, तो आप लोगों की ताकत के आगे आधा काम हो गया, आधा काम और हो जाएगा, आधा घंटे की और बात है, वो ताकत सारी की सारी दिखाने का काम करे, आपकी ताकत के अंदर ही हमारी ताकत नहीं, आधा घंटा और तो लगभग मतलब पैसे पानी का प्रबंध करें, पानी मांगो ये तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमजोरी है पानी की, तो मैं ये करता हूँ कि पानी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना, सारे के सारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मैं ये मात्र शक्ति से अपील करूंगा कि वो जाने का काम ना करे, मंदिर जी को रोकने का काम करे, ये आप देखो हाँ आपका काम है, आप रोकने का काम करें, आपकी ताकत, मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आप उठ के चले गए, बच्चे यहाँ से चले गए तो लट पड़ेंगे और वो मारे पड़ेंगे, आपके भाई और बंद है, आपके बच्चे हैं, अभी भाई साहब ने बताया आपको कि आधा काम रेलवे का हो गया है, पत्थर बना लिया इन्होंने, एक बात आपको और बता दू, एक मिनट सुनिए भाई साहब, मत करो रे भाई सुनो, एक बात आपको और बता देता हूँ कि अभी लड़ाई आपकी और भी चलेगी, क्यों चलेगी, अभी प्रशासन की तरफ से हमारे को लिख के दिया जाता है कि एक महीने में काम शुरू कर देंगे या दो महीने में, हो सके बावड़ी बूथ बना दिया, ठीक है, तो दो महीने बाद का पत्र देंगे, तीन की जो एक महीने की दे, उसके बाद उससे बड़ी लड़ाई फिर और चालू कर देंगे, इतने काम चालू नहीं कर तो हम फिर आ बैठेंगे, प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी ने हमारे को लिख नहीं दिया, हमारी मांगे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, यही बनेगा, यही बनेगा, दादरी की समाज की मेरे भाइयों बहनों, आपका जो है वो ये संघर्ष बहुत अच्छा रंग ले आएगा, आप थोड़ी शांति प्रिय बैठे रहना, विधायक जी ने बहुत ही अच्छे लफ्जों में कहा है सीटम साहब को कि सीटम साहब ऐसे आप इन्होंने तो लिख के दे दिया, अब सरकार भी हमारे लिख के दे भी कब पैसा आए कब नहीं आएगा, और भाई एक काम जरूर कर दिया, पैसा बहुत जल्दी आ जाएगा, जो भी बीजेपी का कोई लीडर आवे ना दादरी मुसा पैसा कड़ा दल कर दो, पैसा नहीं आ जाओ पैसा कड़ा दल कर दो, मैं सही कहूँ भाई, दादरी की जनता अगर बहिष्कार चल्लू कर देगी ना तो पैसा 15 दिन में कौन लगा, मैं कहा तावा तक कहूँ ले पढ़ना मत दो, जित भी गेट उन्होंने उड़े खड़े हो जाओ, जित उड़े नहीं जित भी गेट तो उड़े खड़े हो जाओ, हम कौन जाना भाई, काले झंडे तो भाई रखे हमारी बाण मिट्टी गई थी उड़े सारी ताकत से न इतनी बढ़िया ताकत से इतनी तगड़ी ताकत दादरी की जनता की ताकत पता ही नहीं प्रशासन ने क्या है, और खट्टर खट्टर तो हाल के अब थोड़ा दौर है, हाँ मैं 15-20 दिन ये कर दो, कई महीना एक लिए कर दियो और अंडर पास बढ़ जाएगा, हर सोर जुलम की टक्कर में जोम से टकराएगा, हर सोर जुलम की टक्कर में अंडर पास, अंडर पास, अंडर पास, अरे शेरो मन्ना दागड़ी आ गया तक नहीं उठाता चिड़िया के शेर, और मुंडो भाई ये लाला सारे शेर लागा बसे सारे शेर लागे, ईशा रोड़ा तो आने को तगड़ा है मानस कर भाई, पूरा की जनता तो कमाल कर दिया भाई बहनों ने, आपसे एक और रिक्वेस्ट है, एक और उम्मीद रखता हूँ, ये तो 100% की बात थी भाई, मारे खातर भी थोड़ा संघर्ष करियो, मारे भी वो खट्टा था ना बना
हजार खट रहे भाई, 5 करोड़ रुपया देगा सर। चनगढ़ में दादरी की जनता ने तो साथ दिखाया ने। आप न्यू संघर्ष करते रहो, आप तो लोग आदमी आपने क्या की चिंता बता बोल हिसाब में, आप तो संघर्षशील हो भाई। दादरी की जनता इतना समझ करती ना तो ये अंडर पास है, अंडर पास कोई पुर्जी बन जाए भाई नहीं रहे तो मतलब दादरी की जनता जागरूक है ना। तो मैं तो बहुत महेश जी का भी शुक्र गुजार हूँ, महेश जी इतने दिन हो यहाँ और बड़े संघर्षशील है, नेता है बड़े हमारे यहाँ और सीनियर है हमारे, और राजदीप जी है और मोदू जी है, सारे एमसी भाई साहब है। भाई एमसी भाइयों मेरी आपसे प्रार्थना है, पास एक ना अपने खतरे की कर ले, हमारा पास छोड़ दिया जाएगा और हमारी बेरोजगारी बन जाएगी। क्यों हम बना दे भाई एमसी और हमारी पारा गोद हम भी का खतरन है या तकनीक रहेगी या न्यू रहेगी। टीम है तीन बार आ गया प्रशासन, पढ़े लिखे एमए बीएड है, इंग्लिश है, पीएचडी होंगे इंग्लिश पे भी होंगे तो अरे न्यू नॉलेज होनी के इस मोहर में बावले बनावे। पढ़ी लिखी जनता बावली बोझ होनी है ना में बड़े हमारी बहन बेटी यार कल पढ़ी ली पीएचडी होनी सारी, ये जनता बावली बनावे कि आए जी मोर होनी मारी की टीम साहब कहती मेरी तरफ से विदाई दी मुझे की पूरा परिवार बोलते मुन्ना बता दियो मैं धनखड़ साहब हमारा 7,000 रुपए ले देगी जाओ, बड़ा दूर दूर घोषणा करे संतो गांधी नगर में भाई दारू की जनता इसी तरह खड़े रहो। और आप हेलो हाँ जी मैं दादरी की जनता जो है ना इतनी संघर्षशील है भाई, पानी हम 5-4 दिन पानी भूखे रहे इसका और रोटियां कई चिंता रह जाएंगे हिसाब किताब में, कोई बेकारी बात को नहीं। और मैं दादरी की जनता में बड़ा अंडर पास के लिए जो भी दादरी का संघर्ष होना।